हेलो क्लास, वेलकम बैक. एज वी स्टार्टेड साइबर सेफ्टी, ओके, आर यूनिट सेकेंड. सो अब यूनिट सेकेंड का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनोनिमस ब्राउजिंग. ओके, सो इसका मतलब क्या होता है कि हम अलग अलग तरीके से किस तरीके से ब्राउजिंग कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है, वी नीड टू हाइड आर आइडेंटिटी आइदर इंटेंशनली और ड्यू टू गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्शंस. क्या मतलब हुआ इसका कि कभी कभार हमें क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी को छुपाना पड़ता है. ओके, मीन्स कि या तो वो इंटरनेशनली मतलब ग्लोबली किसी को भी शो ना हो, मतलब हम जैसे एक किसी भी चीज को एक्सेस कर रहे हैं, ओके, बट किसी को पता ना चले एक्चुअली में कौन है. लाइक क्या होता है ना कि हमें फेसबुक चलाना होता है, जस्ट एज अ सिंपल एग्जांपल, बट ठीक है. लेकिन हमें क्या होता है, हमारे पेरेंट्स को पता ना चले कि हम अब से पहले फेसबुक यूज कर रहे हैं विदाउट देयर परमिशन, तो हम क्या कर लेते हैं, अपनी आईडी को या अपने आईडी नेम को चेंज कर लेते हैं, राइट. तो कुछ वैसे ही, ओके. सिंस ऑल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम आर मशीन कैरिंग अ लॉट ऑफ अबाउट आर आइडेंटिटी विद देम, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द वेज बाय विच दिस इंफॉर्मेशन कैन बी कैंसल्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी प्रॉक्सी सर्वर और अनऑथराइज्ड वेंडर्स. बाय यूजिंग एनोनिमस ब्राउजिंग वी एलिमिनेटिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ द ब्राउजर नेट विदाउट रिलेटिंग अ पर्सनल इंफॉर्मेशन इन सर्सेट्स. दैट इज बाय एसेंशियल ऑफ इनक्रिप्टेड डाटा इन हाइड आर आइडेंटिटी. अब इस पूरे पैराग्राफ में इन्होंने क्या बोला है कि अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए इसीलिए इनक्रिप्टेड डाटा को यूज करते हैं, बिकॉज हमारा एचटीटीपी क्या करता है, हर टाइप की इंफॉर्मेशन को लिए होता है. ओके, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा एचटीटीपी रेफरर यूजर एजेंट ये सब कुछ, कि ये क्या करते हैं, हमारे ब्राउजर की डिटेल, हमारा आईपी एड्रेस एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ इनके पास होता है कि हम कैसे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे. तो अब इस आइडेंटिटी को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन चीजों को सेव करना पड़ता है और इन चीजों से बचाना पड़ता है. ओके, सो नाउ व्हाट इज, अब इसके टाइप्स दिए हुए, व्हाट इज प्राइवेट ब्राउजिंग. ओके, तो हमारी प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होती है, फिर उसमें हम प्रॉक्सी सर्वर के बारे में पढ़ेंगे, फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, आज के लिए. ओके, फिर कल हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट आवर डाटा एंड आइडेंटिटी ऑनलाइन, देन हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे ऐसे ही फॉरवर्ड होते रहेंगे. ओके, दिस चैप्टर इज वेरी इजी. ओके, सो डोंट टेक एनी स्ट्रेस. एट द एंड ऑफ कम्प्लीटिंग दिस चैप्टर आई विल ऑल्सो शेयर अ लिंक विद यू विद ऑफ अ होल चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्राइवेट ब्राउजिंग. सो यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. इट्स ऑलवेज लाइक कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, टेस्ट में भी सबसे बेटर होता है अगर आप इन लेंथी पैराग्राफ लिखने की बजाय उनको पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दो. ओके, saving of our details as in the autofill feature, accidentally saving the of username and password. okay, ab isme kya likha hai, first hum paragraph read karte hain. okay, private browsing is also known as initiating mode. initiating mode, ab iske bare mein to aap samajh hi chuke honge kyunki hamare browser mein bhi initiating mode hota hai, jisme like wo specs bane hote hain na hamare browser pe, wo wala mode. usme kya hota hai ki sirf hamari private browsing hoti hai. us private browsing mein kya chala jata hai ki hamari koi bhi details save nahi hoti, hamari history nothing, just private rehta hai. okay, jaise private mein sirf hame pata hota hai, browser ko kuch bhi nahi pata hota. वो चीजें जब तक ब्राउजर को कुछ नहीं पता होगा तो वो आगे जैसे कि कैसे सेंड करेगा उसको. ठीक है, सो उससे क्या प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारे जो फीचर्स होते हैं उनको, लाइक ऑटोफिल फीचर्स, कि हमारी कुकीज सेव होना, हिस्ट्री सेव होना, डाउनलोडिंग सेव होना, हम उन चीजों से बचा सकते हैं. हमारा ऑटोमेटिक पासवर्ड सेव हो जाता है, हम उससे बचा सकते हैं. ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स हैं, सेविंग डाटा इन कुकीज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लोकेशन ट्रैकिंग के हम कहाँ से अपना डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, वो सारी चीजें. ओके, ये सब हम इन चीजों से सेव हो सकते हैं. ओके, सो नाउ थ्रू प्राइवेट ब्राउजिंग रिस्ट्रिक्ट्स द इंफॉर्मेशन बीइंग सेंट आउट ऑफ योर डिवाइस. मीन्स आप जो यूज कर रहे हो, जो डिवाइस फोन है सिस्टम है, उससे बाहर कहीं पे भी आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगी. इनिशिएटिंग मोड ऑन करना, आपके कंप्यूटर में उसकी टू आपकी कीज दी हुई हैं फॉर क्रोम एंड फॉर फायरफॉक्स. डू लर्न दिस. ओके, इन फिल इन द ब्लैंक्स आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर की भी, व्हाट कंट्रोल शिफ्ट तो है ही,
क्रोम के लिए आप एन लगाएंगे, फायरफॉक्स के लिए पी लगाएंगे, एंड फॉर पी सिमिलर फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर. ओके, सो आपको ये शॉर्टकट कीज भी याद करनी है. ओके, डोंट डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन क्रोम, फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर. दिस शॉर्टकट की इज कॉमन फॉर फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, बट डिफरेंट फॉर क्रोम. इट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड नॉट पी. ओके, सो नाउ व्हाट इज प्रॉक्सी सर्वर. प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, मतलब एक हम क्या कर देते हैं, एक डिफॉल्ट, लाइक आपकी प्रॉक्सी लगती है ना, जैसे आप सुनते होंगे कॉलेजेस में कि प्रॉक्सी लग रही है, हम तो प्रॉक्सी लगाएंगे. दैट प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है कि होते हुए, सॉरी ना होते हुए भी होना, ठीक है, किसी के होते हुए भी. जैसे कहते हैं ना, आप जो देखते हैं पर वो होता नहीं है, जो आप सुनते हैं पर वो बोलते नहीं है, समथिंग समथिंग, तो कुछ वैसा सा ही होता है आपका. ओके, हाँ, जो दिखता है वो होता नहीं है अक्सर, ठीक है ना, तो वैसे ही कि जो होगा बट एक्चुअली में है ही नहीं. ओके, अ प्रॉक्सी सर्वर इज डेडिकेटेड कंप्यूटर और अ सॉफ्टवेयर सिस्टम विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन एन एंड पॉइंट डिवाइस सच एज अ कंप्यूटर एंड अनदर सर्वर फ्रॉम विच अ यूजर और अ क्लाइंट रिक्वेस्टिंग अ सर्विस. मीन्स ये क्या होता है कि इंटरमीडिएट होता है. ओके, मीन्स लाइक ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा ब्राउजर है, ठीक है ना, जहां से हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक इंटरमीडिएट है. ओके, जैसे कि आप सुनते हैं ना बिचौलिया होता है, जैसे हम मैरिजेस कराते हैं, ठीक है ना, ये दूल्हा है, सॉरी ये क्या होता है कि लाइक ये शादी के लिए एक साइड है, ठीक है ना, लाइक ये लड़की वाले हैं, ये लड़के वाले, और बीच में बिचौलिया होता है जो ये सब काम करवाता है, राइट. तो उसी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश, ठीक है ना, वैसे क्या है, यहाँ पे आपका सिस्टम है, ये आपका नेट है जो आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो इन दोनों को करने में क्या काम कर रहा है, आपका प्रोक्सी सर्वर काम कर रहा है. ओके, सो वैसे ही आपका क्या हुआ कि द ट्रैकिंग वेबसाइट विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोक्सी सर्वर एंड यू विल स्टिल ब्राउज द साइट विदाउट डिस्क्लोजिंग योर आईपी एड्रेस. ओके, मीन्स आप ये बताते भी नहीं हो कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, आप कहाँ से क्या एक्सेस कर रहे हो, और फिर भी आप डाटा एक्सेस कर पा रहे हो. लाइक कॉलेजेस में होता है ना, टीचर को नहीं पता वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट आपके किसी फ्रेंड ने आपकी प्रॉक्सी बोल दी है, मीन्स यू डू एग्जिस्ट देयर. ओके, सो जस्ट सिंपली लाइक दिस. ओके, सो हम ये चीज यहाँ पे कर सकते हैं. ओके, सो ये हमारा क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर. मैनी एप्लीकेशंस और वेब सर्वर्स डिनाई एक्सेस टू रिक्वेस्ट विच डिवाइस ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रॉक्सी सर्वर ऑन द वेब. अब इसमें क्या बोला गया है, कुछ आपकी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो डिनाई करती हैं, मतलब कि अगर आप प्रॉक्सी सर्वर का यूज कर रहे हैं तो वो आपको आपकी एप्लीकेशन यूज, अपनी एप्लीकेशन यूज नहीं करने देंगी. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN. Now you can see here the diagram, encrypting data through VPN. What is encryption? ये हमने पढ़ लिया है कि किसी कोड में ट्रांसफर हो जाना, ठीक है ना. सो VPN क्या करता है, VPN allows you to hide your true identity by encrypting the data and web trafficking, thus making it impossible for you or any third party to decide it. A VPN changes your IP address and connects you to a server with a different IP and location. अब इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारा डिफरेंस देख लो. प्रॉक्सी में तो क्या होता था, प्रॉक्सी के अंदर तो क्या होता था कि पता ही नहीं चलता था. ओके, वो उसको क्या कर लेता था, हाइड, प्राइवेट बना देता था, ठीक है ना. बट VPN के अंदर क्या होता है, VPN के अंदर वो उसको चेंज कर देता है, ठीक है ना. VPN में क्या करता है, वो उसको चेंज ही कर देता है, ठीक है ना, हाइड नहीं करता, चेंज ही कर देता है. कि लाइक ये होता है ना, लाइक अगर आपने सुना हो कि हम अपने फ़ोन को रूट कर देते हैं या समथिंग एल्स, उसमें क्या होता है, पता नहीं चलता कि आप कहाँ से कैसे एक्सेस कर रहे हो. दैट थिंग इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन वी डू हैकिंग. ओके, दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज क्वाइट रिया, ये सब चीज़ें ना, क्योंकि अगर अ ट्रू पर्सन विल नेवर यूज दिस थिंग्स, अ पर्सन हु जस्ट वॉन्ट्स टू लाइक हैक समथिंग और डू समथिंग लाइक किसी से अलग रह के करने के लिए, उसमें इस चीज़ का यूज़ होता है. ओके, इंक्रिप्शन का पता है हमें कोड में बना देना.
A VPN has many useful features such as मिलिट्री लेवल इंक्रिप्शन, फायर वॉल, मतलब कि जहाँ पे हमारी मिलिट्री के कुछ सीक्रेट्स हैं उनको हमें रखना होता है ऐसे. ओके, यू कैन सेट अ VPN एट होम टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हैकर्स. अब ये हम इससे हैकर से हेल्पफुल भी बना सकता है, क्योंकि अगर लाइक कोई हैकर हमें हैक करना चाहता है, ठीक है, बट अगर उसे मेरा करेक्ट लोकेशन IP एड्रेस नहीं मिलेगा तो मुझे हैक भी नहीं कर सकेगा. सो फ्रॉम अदर डेंजर्स ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोयर, एग्जाम्पल VPN इज अ किसकोज VPN क्लाइंट एंड सर्वर सॉफ्टवेयर. अब ये किसको यूज करता है? क्लाइंट एंड सर्वर सॉफ्टवेयर को यूज करता है. ओके, नाउ रिगार्डिंग दिस स्मॉल टॉपिक्स यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू मी. ओके, और यू जस्ट कैन टेक्स्ट मी. ओके, फॉर प्रॉब्लम्स यू कैन ऑल्सो कमेंट बिलो डाउन. ओके, सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड कीप स्टडिंग.